और हर्ट्ज कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जे जे थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट पर। जे जे थॉम्सन ने जो कैथोड रे ट्यूब बनाई थी उस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस एक्सपेरिमेंट के बीच में कुछ एक नया सा ऑब्जर्वेशन उन्हें मिला, कुछ नया ऑब्जर्वेशन मिला उन्हें, और फिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को एक नए तरीके से किया। क्या किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट को, एक ट्यूब थी उनके पास, ट्यूब बना रखी थी कांच की ट्यूब, बिल्कुल वैसी ही जैसी जे जे थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ी हुई है। कैथोड रे ट्यूब, सिंपली कैथोड रे ट्यूब, एक साइड लगा हुआ क्या कैथोड, एक मेटल प्लेट, और दूसरी साइड दूसरी मेटल प्लेट जिसे आप बोलते हैं एनोड। बस यहां उन्होंने क्या काम किया कि ये जो कैथोड है इसके सामने इन्होंने एक स्पेशल विंडो बना दी। हालांकि ट्यूब भी कांच की ही थी ये, लेकिन ये कांच के बजाय उन्होंने एक विंडो बना दी यहां, किसकी, क्वार्ट्ज की विंडो। क्वार्ट्ज भी कांच जैसा ही होता है देखने में, बिल्कुल कांच जैसा ही होता है देखने में, लेकिन जो नॉर्मल ग्लास है, ग्लास ग्लास और क्वार्ट्ज में ये डिफरेंस है कि जब इस ग्लास में बाहर से धूप आ रही है हमारे पास इस ग्लास के थ्रू, लेकिन जो बाहर से सूरज हमें दे रहा है वो सब कुछ इसने अपने अंदर से पार नहीं होने दिया, उसका कुछ पार्ट ये बीच में ही रोक लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वार्ट्ज की ये खूबी है कि वो सब कुछ अपने अंदर से पार देने चले जाता है, वो रोकता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करता कुछ भी, तो इसलिए क्वार्ट्ज की विंडो उन्होंने बनाई। ठीक है, क्वार्ट्ज की विंडो बनाई है, और फिर कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए एक पोटेंशियल डिवाइडर बनाया। पोटेंशियल डिवाइडर और कुछ भी नहीं होता, एक रियोस्टेट जैसा ही होता है, जैसे पीछे आपने रियोस्टेट पढ़ा था, बस रियोस्टेट आपने जो देखा था उसमें तो एक वाइपर था ऊपर जो चल जाता, इसमें दो वाइपर होते हैं। इसे जोड़ लिया बैटरी से, बैटरी के साथ एक की लगा दी, और इसका दूसरा सिरा रियोस्टेट के दूसरे सिरे पर पहुंचा दिया। ठीक है, बिल्कुल रियोस्टेट जैसी चीज है, रियोस्टेट आपने सबने देख ही लिया, वाइपर याद है उसके अंदर जो ऊपर खिसक रहा था, उसमें दो वाइपर है बस, ऊपर नीचे, एक ऊपर होता है एक नीचे लगा होता है। रियोस्टेट के एक सिरे से आपने पॉजिटिव जोड़ दिया, दूसरे सिरे से आपने क्या जोड़ दिया, निगेटिव जोड़ दिया। तो जिस सिरे पर पॉजिटिव है ये हायर पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा, और जहां निगेटिव आपने जोड़ा हुआ ये लोअर पोटेंशियल पर, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां डेवलप हो गया। याद है, हाँ? बचपन की याद है, अभी बाकी है, बचपन के दिन भुला ना देना, बचपन के दिन याद है अभी, जैसे पोटेंशियोमीटर वायर पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया, ऐसे यहां पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया, यहां हाई पोटेंशियल और दूसरा सिरा लो पोटेंशियल, हाई से लो स्मूथली पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जा रहा है। करेक्ट, एक वाइपर आर्म से जोड़ लिया, एक वाइपर आर्म से जोड़ लिया कैथोड को, और दूसरे वाइपर आर्म से जो इसके ऊपर चल रहा था दूसरा वाइपर आर्म, इससे जोड़ दिया आपने किसे, एनोड को। ये वायर यहां से थोड़ा घुमाकर बनाते हैं जिससे पता ये लगता है कि यहां दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर नीचे है लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए आप, ये कैथोड, कैथोड नहीं, वर्ड हम यहां यूज करेंगे, प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे, एमीटर। एमीटर क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहा है, इसे हम एनोड बोलते हैं, एनोड वर्ड करेक्ट नहीं है यूज करना, इसको हम बोलेंगे कलेक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट किया एमीटर ने उसे ये कलेक्ट कर लेता है। करेक्ट, अब यहां देखिए ध्यान से, एमीटर कहां लगा हुआ है, टुवर्ड्स निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और कलेक्टर कहां लगा हुआ है, कलेक्टर लगा हुआ है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अगर ये वाइपर आर्म पूरी तरह से यहां लगा दिया तो कलेक्टर कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा,
और अगर ये वाइपर आर्म आपने यहाँ लगा दिया तो आपका एमीटर पूरी तरह से निगेटिव, ठीक है। अगर इस वाइपर आर्म की आप पोजीशन बदल दें, कैसे बदल दें, ये वाला वाइपर आर्म यहां ले जाएं आप, ऐसे ले आए, तो अब क्या देखिएगा ध्यान से कि आपका एमीटर आ गया पॉजिटिव की तरफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और ये वाला वाइपर आर्म यहां ले गए तो आपका कलेक्टर आ गया कहां, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। मतलब क्या हुआ, इन दोनों वाइपर आर्म से इनकी वाइपर आर्म को सेट करके आप इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी एडजस्ट कर सकते हैं और पोलैरिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इस मोमेंट पर देखिए ध्यान से, आपका जो एमीटर है, एमीटर इज नेगेटिव किसके रेस्पेक्ट में, कलेक्टर के रेस्पेक्ट में एमीटर नेगेटिव है, और इन दोनों वाइपर आर्म को आप जितना एक दूसरे के पास लेकर आते रहेंगे, एमीटर कलेक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घटता चला जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं, ये हायर, इधर हायर पोटेंशियल है और यहां लोअर पोटेंशियल है, जितना वाइपर आर्म ऊपर लेके जाएंगे कलेक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा पॉजिटिव में, और जितना इस वाइपर आर्म को पीछे लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, आपका एमीटर का वोल्टेज डिक्रीज होता चला जाएगा, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं ना, एक आप यहां खड़े हो, आपका साथी यहां खड़ा हुआ है, अगर आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ने लगो जीने पर और आपका साथी नीचे उतरने लगे तो क्या होगा, आपके दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, आपका साथी वहीं खड़ा रहे, आप सीढ़ियां चढ़ने लगो तो भी आपके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, आप वहीं खड़े रहे आपका साथी नीचे जाने लगे, ठीक है। और कहीं इस सीढ़ी पर, दसवीं सीढ़ी पर या पांचवीं सीढ़ी पर अगर दोनों एक साथ आ जाए तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का जीरो हो गया, करेक्ट। अब पोजीशन बदल दी, आप यहां पहुंच गए, पहुंच गया, तो अब आप लोअर हैं, कम ऊंचाई पर है, आपका साथी ज्यादा ऊंचाई पर है, मतलब एक जो पहले लोअर पोटेंशियल पर था ये हायर पोटेंशियल पर पहुंच गया, जो पहले हायर पोटेंशियल पर था वो लोअर पोटेंशियल पर पहुंच गया, ये पोटेंशियल डिवाइडर है। पोटेंशियल डिवाइडर से आप क्या कर सकते हैं, एक सूटेबल पोटेंशियल डिफरेंस भी ले सकते हैं और इससे आप पोलैरिटी भी बदल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, एक का पोटेंशियल हायर दूसरे का लोअर, जितना चाहो एडजस्ट कर लो इनके बीच, या पोलैरिटी बदल दो, दूसरे वाले को हायर पहुंचा दो, नीचे वाले को लोअर पहुंचा दो, और दोनों के बीच का फिर से पोटेंशियल डिफरेंस आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं समझना। तो एक ये वैक्यूम ट्यूब है आपकी, कांच की ट्यूब है, इसके अंदर सारी एयर खींच के बाहर निकाल दी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, एक प्लेट, दूसरी प्लेट ये रही, जिस प्लेट के सामने आपने क्वार्ट्ज की खिड़की लगा दी, क्वार्ट्ज विंडो लगा दी, इसे हम एमीटर ही बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आप यहां से बाहर से लाइट इंसिडेंट कराएंगे, अलग अलग तरह की लाइट इंसिडेंट कराएंगे, इससे आप एमीटर को एमिट करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा रहे हैं, ये कहलाया जाएगा क्या, एमिटर। और इसने जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट करे उन्हें आप लेकर जाएंगे कहां, सामने वाली प्लेट पर, ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है, ये क्या कहलाया जाएगा, कलेक्टर कहा जाएगा। तो ये आपकी सिंपली क्या बनी, ये बनी आपकी ग्लास ट्यूब, क्वार्ट्ज की विंडो हो गई। और सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने किया था, हर्ज ने वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, ये प्लेट थी उनकी जिंक प्लेट, जिंक की बनी हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने स्टील को वॉल्ट निकल वो सही अलग अलग बना के देखी, तो हम यहां जिंक ही लिख देते हैं इसको, क्या है ये, कैथोड, कैथोड ना कहकर बेटर वर्ड क्या है इसके लिए, एमीटर, करेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। और एक्चुअल में है क्या चीज, ये जेबन प्लेट है आपके लिए, जेबन भी हो सकती है, कॉपर भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और सामने वाली प्लेट जिसे आप क्या बोलते हैं, एनोड, एनोड ना बोल के ज्यादा इसका बेटर क्या है, कलेक्टर। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में एनोड और कैथोड भी लिखा हुआ आ सकता है, क्वेश्चन में कैथोड को एमीटर भी लिखा हुआ आ सकता है, क्वेश्चन में एनोड को कलेक्टर भी लिखा हुआ आ सकता है, समझे बात, अगर एनोड लिखा हुआ है समझ लीजिए कलेक्टर है, कैथोड लिखा हुआ है समझ लीजिए। और ये पूरा का पूरा जो नीचे वाला अरेंजमेंट है,
ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट, इस पूरे को ही हम बोल देते हैं क्या, पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर है पूरा, इसका काम सिर्फ क्या है, कलेक्टर और एमिटर की पोलैरिटी पोलैरिटी फिक्स करना जो भी आप चाहें, और इन कलेक्टर एमिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एडजस्ट करना जो भी आप चाहें। क्लियर है बात? ये उनका एक्सपेरिमेंट, बेसिक एक्सपेरिमेंट था बिल्कुल। अब कर तो रहे थे वो एक्चुअली कुछ और, फिर एक नया ऑब्जर्वेशन निकल कर आया, कैथोड रे ट्यूब पर काम कर रहे थे, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज का बिहेवियर, एनोड रेज का एंड कैनाल रेज का बिहेवियर स्टडी कर रहे थे। लेकिन इस बीच उन्होंने एक नया ऑब्जर्वेशन देखा। क्या देखा उन्होंने ऑब्जर्वेशन, कि जब यहां जिंक की प्लेट लगाई और अगर आसपास इसके है अंधेरा, अच्छा एक चीज मैं यहां रह गया हूं, दो चीज रह गई है अभी, करंट मेजर करने के लिए सीरीज में डाल दिया एक एमीटर, कितनी करंट चल रही है यहां, और इन दोनों कलेक्टर और एमीटर के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसे नापने के लिए लगा दिया एक क्या, वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर लगा दिया, देखिए ध्यान से, कलेक्टर और एमीटर के सीधे सीधे पैरेलल में लगा हुआ है वोल्टमीटर, और कलेक्टर एमीटर के सीरीज में लगा हुआ है एमीटर, करंट मेजर करने के लिए एमीटर ये। तो उन्होंने क्या देखा यहां कि अगर अंधेरा है आसपास तो इस एमीटर में कोई भी करंट नहीं है, और जैसे ही इस जिंक की प्लेट के ऊपर बाहर से कोई लाइट आती है, रोशनी पड़ती है इसके ऊपर, तो तुरंत एमीटर में रीडिंग दिखाई देने लगती, जबकि वो कुछ और चीज छेड़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। पोटेंशियल डिफरेंस जो कलेक्टर एमीटर के बीच में सेट कर रखा ऊपर ही रखा है, अगर ढक देते उसे प्लेट को, लाइट नहीं पहुंचने देते तो करंट रुक जाती है, और जैसे ही जिंक की प्लेट के ऊपर लाइट पहुंचती है कहीं से भी तो एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इस एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देने का क्या, कैसे दिखाई देता है? उन्होंने कहा कि भाई ये एमीटर है, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है अपने अंदर से, इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है, और एनोड यानी कलेक्टर को रखा हुआ है एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। देखिए एमीटर कहां है, टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और कलेक्टर कहां लगा हुआ है, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अभी इस सेटिंग पर, यहां कलेक्टर इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, करेक्ट? तो बहुत सिंपल सा उनका एक्सप्लेनेशन था, सही एक्सप्लेनेशन था। उन्होंने क्या कहा कि एमीटर में से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, और क्योंकि सामने उन्हें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कलेक्टर, पॉजिटिव कलेक्टर दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव कलेक्टर से अट्रैक्ट होकर के चलने लगते हैं, पॉजिटिव कलेक्टर पर पहुंचते, एमीटर और कलेक्टर के बीच में एक इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम डेवलप हो गई, इलेक्ट्रॉन की एक धारा डेवलप हो गई है, और इलेक्ट्रॉन्स का चलना ही एक्चुअली क्या है, करंट। तो वो करंट आपको यहां एम्पियर मीटर में दिखाई दे रही है, समझ आया बात?